अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज फैसल ए टू जेड व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, टिकटॉक इंस्टाग्राम सब पे मेरी सेम ही आईडी है, फैसल ए टू जेड व्लॉग के नाम से। तो आज बनाने जा रहा हूँ जी एक और फूड व्लॉग। तो जो आज का मेरा है जी रेस्टोरेंट, वो मैंने डिसाइड किया है, चलिए आपको वहाँ जा कर दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा रेस्टोरेंट, तो ये मेरे घर के पास ही है, तकरीबन 2-3 माइल दूर ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये डिसाइड कर लिया जाए, शाम को आने हैं थोड़े से मेहमान वगैरह, तो इन आइटम इन पे कम है तो ज़्यादा आइटम नहीं है। तो बहरहाल चलता हूँ उधर रेस्टोरेंट में और आपको दिखाता हूँ। तो स्टे ट्यून विद फैसल ए टू जेड व्लॉग्स। माशाल्लाह कितना प्यारा वेदर है आज, ये मेरा फेवरेट वेदर है। इस तरह का जो क्लाउड वगैरह आते हैं, बादल वगैरह आते हैं, मुझे इस तरह का वेदर बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। वैसे भी आज इतनी गर्मी नहीं है, सुबह भी ठंडी हवा चल रही थी, तो अभी माशाल्लाह हवा काफ़ी चल रही है। तो ये देखा कितना प्यारा क्लाउड है, माशाल्लाह कितना प्यारा वेदर है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर। ये देखा माशाल्लाह बादल ही बादल, लेकिन ये है कि इधर जो हमारा सिटी है इधर नहीं गर्मियों में बारिश होती, इधर बारिश स्टार्ट होनी है एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर से, नवंबर से लेकर अप्रैल और मई के शुरू तक बस। तो जो दरमियान में मंथ है वहाँ नहीं बारिश होती, तो लेकिन जो दूसरी स्टेट हैं वहाँ पर बहुत टोर्नेडो तूफ़ान इस तरह के सैलाब वगैरह आते हैं। तो इधर जो शहर है कैलिफोर्निया का यही शहर, तो बारिश नहीं होती इधर। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा वेदर है, देखिए कितना रश है इधर। आज वैसे भी वीकेंड है तो संडे है, संडे को इस तरह ही रश होता है इधर रेस्टोरेंट वगैरह में। तो फाइनली ये आ गया जी अपना रेस्टोरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखें जी माशाल्लाह कितना रश है और वेदर भी आज काफ़ी अच्छा है। ये तो मुझे लगता है लगी हुई है डकैन नीम या जो भी डकैन कहते हैं, ये तो मुझे वो लगती है। ये देखें काफ़ी लगाई है इन्होंने इधर, तो काफ़ी अच्छा इधर किया वॉक वे। ये देखें माशाल्लाह अच्छा है इनका, ये बनाया थोड़ा सा, ये देखें जी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये भी लोगों ने फेंके हुए हैं अपने कॉइन वगैरह, मेरे ख्याल कोई विश वगैरह मांगते हैं है जो। रश भी आज काफ़ी है, जैसे सब इधर जो है जो है प्लाजा ना रेस्टोरेंट, एक ये भी है फायर कॉर्विश फायर हाउस क्रॉफिश रेस्टोरेंट, वो सामने भी है जंबा जूस वगैरह, तो मोस्टली इधर रेस्टोरेंट ही है। तो ये था यहाँ से मैंने पिज़्ज़ा खाया ये वाला है जी मेरा रेस्टोरेंट जहाँ पर मैंने आज अपना व्लॉग बनाना है, पियालो जी पिज़्ज़ेरिया। तो इधर काफ़ी रेस्टोरेंट है, तो ये देखें चलता हूँ ये अंदर और आपको दिखाता हूँ। तो ये दिखाएंगे लाइव मेकिंग वगैरह, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लगवानी है, इधर चलते हैं अंदर। ये है जिनका मेन्यू लगा क्राफ्ट योर ऑन, अपनी मर्ज़ी से बनाएं, जो थी आपने ब्रेड लेनी है, थिक लेनी है, थिन लेनी है, तो मैं तो पतली ब्रेड लूँगा, मुझे पतली ज़्यादा पसंद है। और ये सब इधर आइटम वगैरह पड़ी हैं, जो से अपनी मर्ज़ी से लगाएँ, तो मैं ऑर्डर देता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो सामने बना रहा है ब्रेड, या आपने थिन बनानी है और थिक बनानी है, या पर डिपेंड करता है। वो देखें जी वो सामने ब्रेड बन रही है, वो देखें लाइव चल रहा है सब कुछ। तो वो दो उधर बना के रख दी है, ये देखें दो उधर बना के रख दी है, और ये थर्ड वाली बना रहा है, तो इस तरह बताना है आपने। वो सामने बन रहा है तंदूर, वहाँ पर बन रहा है पिज़्ज़ा, लाइक ओलिव बेल पेपर टोमेटो हेलापिनो अनियन। कैन यू पुट लिटिल बिट मोर ऑलिव, या एंड अनियन। व्हाट आर दीज ग्रीन वन, ओके ओके या दैट्स ओके गुड। तो ये जी मैंने अपना ऑर्डर दे दिया, तो ये है जी मेरा ऑर्डर। तो वो सामने जी उनका तंदूर, तो वो तंदूर में बनेगा तकरीबन लग जाएगा तकरीबन 10 मिनट। वो देखिए जी वो सामने बन रहे जी तंदूर, तो वो सामने दो पीते पड़े हैं, तो थिन ही मैंने बनाया क्योंकि मुझे थिन ही ब्रेड अच्छी लगती है, वो दूसरी भी अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा मोटी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। तो वो दो तो रेडी हैं, वो देखें दो पीस काट रहे हैं, दो पीतों में पीस काट रहे हैं। तो हमारा पीता वो देखें वो सामने चल रही है जी आग माशाल्लाह, कितना प्यारा देख रहे हैं मंदा लग रहा है। तो
सफाई सफाई नहीं आ रही, इतनी लग रही इनके। ये तो चलता ही बड़ा रेस्टोरेंट तो, लेकिन सफाई इतनी नहीं लग रही आज तो। बाहर जो आउटसाइड डाइनिंग है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो ये फाइनली मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। तो ये देखें जी पिज़्ज़ा, तो ये देखें ब्रेड, इसकी देखें कितनी पतली ब्रेड है। मुझे इस तरह की ब्रेड अच्छी लगती है, कहीं के जो साइड होती है ना वो बहुत मोटी रखते हैं, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये सिर्फ वेजी पिज़्ज़ा है, इनके पास यही आइटम है पिज़्ज़ा ही है, सिर्फ आप मर्ज़ी का बनाएं और ऑर्डर वगैरह लगवाएं। तो वैसे भी इतना काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और शाम को आने मेहमान, तो फिर घर भी पकड़ा है माशाल्लाह, गोड़ पकड़ा है वो भी खाना है, तो इसलिए मैंने एक ही ऑर्डर दिया। नहीं तो इस तरह का तो मैं 2-3 खा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें वेजी, देखें ऊपर कितनी लगाई इसमें, टमाटो, हलापिनो, ऑनियन, ओलिव और साथ में बेल पेपर वगैरह। तो ये मैंने लिया जी रेड पेपर साथ में, और ये साथ में लिया जी रैंच, तो इसके भी पे करने पड़ते हैं तकरीबन $2 के जहाँ रैंच दिया इन्होंने। तो चले जी करता हूँ स्टार्ट और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इनका। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैंच के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है माशाल्लाह, मज़ेदार पिज़्ज़ा देख लें। इतना कोई ब्रेड भी नहीं मोटी इसकी, हल्की सी ब्रेड है पतली सी। तो इसके साथ रैंच के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। सिर्फ वेजी है ऊपर, इसके ऊपर पास चिकन के पास है, पेपरोनी है वो हलाल नहीं है, वो हम खाते भी नहीं हैं। साथ में जो ट्राई करते हैं जी रेड पेपर, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। माशाल्लाह पिज़्ज़ा पहला एक ही मैंने अभी पीस चेक किया, माशाल्लाह पिज़्ज़ा इनका अच्छा है, तो बिल्कुल हल्का इस तरह के तो बंदा 2-3 ही खा ले। तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है इनका, तो ये जो एक पिज़्ज़ा पड़ा है तकरीबन मेरे ख्याल $15 में पड़ा है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। वाह माशाल्लाह, सॉस मैंने रेड सॉस लगाई है, जब आप बाइट करते हैं एक अलग ही चीज़ है इसका। पिज़्ज़े और भी मैंने खाए, बहुत अच्छे अच्छे पिज़्ज़े हैं इधर, तो इनका एक अलग ही खाने का मज़ा आता है पिज़्ज़ा। ये थोड़े से बड़े हैं टमाटर, ये थोड़े से छोटा साइज होना चाहिए, ये थोड़े से बड़े हैं, ये एक पीस के साथ है ना, ये बड़ा साइज है। इनके पास हाफ साफ नहीं होती ना, क्या चिप है, सिर्फ ब्रांच ही है, उसका भी वो चार्ज करते हैं। जो मैंने बनाया था पिछला ब्लॉग, फिंगर बर्गर, चिकन शवारमा और फ्राइज, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मेरे लिए खाना, ये तो मुझे पता ही है, मैंने इसी खा लेना, मैं इतना हैवी नहीं है। और सुबह का मैंने जो नाश्ता वो भी हल्का सा किया था। अगर होती इधर हॉट सॉस और केचप तो मज़ा और होना था, लेकिन
साठ साठ का काम करिए, ये रेड पेपर जिसे कहते हैं जी, वो क्रश की हुई लाल मिर्च या तड़ा मिर्च जो भी है, ये आदि मुझे साथ दे रही है साठ साठ की जगह। मौसम आज काफ़ी अच्छा माशाल्लाह, मेरा फेवरेट वेदर है, बादल हो रहे हैं, आवाज़ आ रही है, बाहर बैठ के खाने का अपना ही मज़ा है माशाल्लाह। रैंक में डिप किया और बाइक बनाई, वाओ नाइस। चले जी आज का मेरा यही ब्लॉग था, तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं जाना, कहते नहीं कर भला हो भला, अगर आप मेरा भला करेंगे अल्लाह ताला भी आपका भला करेगा। सब्सक्राइब फॉलो लाइक शेयर कर दें।